कर पिता, जहां भी जाते हैं पिता परमेश्वर इनके तू संग बना रह प्रभु जी। जो महामारी फैली हुई है पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में हम उसको जला के शून्य करते हैं। भारत देश को हम उससे आजादी की घोषणा कर। जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, वो चाहे घर में कार्य करते हो, चाहे बाहर में हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे फैक्ट्री में रह कार्य करते हैं पिता, और जहां भी रहते पंगुतरे छुद्रों में हमारे साथ ही हो। पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ, हालेलुया, और सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पर उनके लिए सभी समस्याओं के लिए दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो घर से निकलने से पहले इस प्रार्थना को सुन के जाइए, प्रभु आपको इसमें दिन भर आशीष प्रदान करेगा और पंगुतरे छुपाए रखेगा, हर एक बीमारी हर एक महामारी से आप सभी को बचा के रखेगा। प्रार्थना करने बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए, हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो आज हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के उसके दूसरे पद को। तो वहां पर लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देर तक विश्वास रख, तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे पियो, हमें क्या करना है? हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह पर। उसके जो वादे हैं, उसके जो वचन हैं, उस पे हमें विश्वास रखना है। इसके वचन पे हमें चलना है, इसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना है। इस वचन को हमें अपने दिल में बसाना है और अपने जीवन में इसको लागू करना है, और हमें हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है प्राण दें तक विश्वास रख। बहुत से लोगों के जीवन में जब थोड़ा सा दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो प्रभु से दूर हो जाते हैं और उसके विरुद्ध में हो जाते हैं। लेकिन हमें प्राण देने तक उसके वचनों पर बने रहना है, उसके संग रहना है। हमें वो वहाँ से निकाल कर ऊँचे स्थान पर पहुँचाएगा, दुख के दरिया से निकाल कर आंत की दरिया में हमें पहुँचाएगा। हालेलुया, इसीलिए हम उस पर विश्वास करें, उसके वचनों पर हम क्लेम करें। और भजन संहिता 91 को आप हर रोज अपने घर में रीड कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और देखने के बाद सभी जगह इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। जितने भाई बहन प्रभु कार्य से प्रचार के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, भेंट दाना दशमांश भेजें, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस। जितने भाई बहन चर्च जमीन के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबके बंद मार्ग को खोले और आप सबके घर बनाने में सहायता प्रदान करें। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का भवन बनाएगा प्रभु उसके घर को बनाएगा। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया 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 हबारी बाउला रबर करबर रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हबारी बाउला रबर करबर रक्तम जयम, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर रात में सुना है एक नया दिन दिखाए, जीतों के बीच हम सबको जीवित रखा प्रभु जी, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे पियो, समस्याएं हमारे विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत क्यों ना हो, समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठी क्यों ना हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज वो दिन है जो परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है। बहुत से लोग आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन हम धन्य हैं कि प्रभु ने हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा, इसलिए कि हम उसका धन्यवाद कर सकें। क्योंकि जो मुर्दे हैं, जो कब्रें पड़े हैं, वो धन्यवाद नहीं दे सकते, जो जीवित है वही उसका धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जी जस, थैंक यू जी जस, प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हम सबको तुम्हें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, इन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। ए पिता परमेश्वर, दिन भर कार्य मंगवाई कराएं, जिनमें सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं पिता, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो पिता परमेश्वर, चाहे यात्राओं कर रहे हैं पिता, ये जहाँ कहीं भी रह
रहते पंगोत रहे छुपाए रख पिता, हर एक बीमारी हर एक महामारी से इन सबको बचाए रख पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दिन भर कार्य में अगुवाई कर पिता, जहां भी जाते हैं पिता परमेश्वर इनके तू संग बना रह प्रभु जी। हाँ पिता, इन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता, इन सबको तू आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु जी। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश में तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए पिता, भारत देश में जो महामारी फैली हुई है पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उसको जला के शून्य करते हैं, भारत देश को हम उससे आजादी की घोषणा करते हैं पिता। हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर में जो पिता जो देश पिता इससे ग्रसित है पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पूरे दुनिया से पिता महामारी को हम दुनिया काल फेंकते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं पिता, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। जो वैज्ञानिक लोग पिता परमेश्वर डॉक्टर लोग इसका वैक्सीन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता, उनमें तू सहायता प्रदान कर पिता, ताकि उसके द्वारा पिता बहुतों लाखों लोगों का जीवन बच सके पिता, यही प्रार्थना करते हैं, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, वो चाहे घर में कार्य करते हो, चाहे बाहर में हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे फैक्ट्री में रह कार्य करते हैं पिता, और जहाँ भी रहते पंगोतरे छुपाए रख पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उसको कोई बीमारी उनको छू ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक जनों को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जहाँ भी रहते तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए पिता, चाहे छोटी बड़ी हो, चाहे कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से उनके जीवन से घर से हम काल फेंकते हैं। समस्याओं का समाधान दे दिया, एक नया रास्ता खोल दिया है पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परिवार के लोगों के लिए पिता, और जहां कहीं भी रहते हैं स्वरूप छाओं से भरपूर होने पाए पिता, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अधिकारी के आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, उन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहेंदे की आत्मा, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना को सुनते ही चलते हैं, उनके घर से उनके जीवन से निकल के चली जाए ये प्रार्थना। जिस घर में चेयर उस घर के चाओ तो थोड़ा बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो जियाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, वो शादी कई साल बीत चुके हैं पिता, लेकिन बच्चे के नहीं मिल पाई है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए उसके साथ हर रोज संगति बनाइए, घुटनों पर टेक कर आंसुओं के साथ गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। जो डॉक्टर नहीं कर सकी, दवाई नहीं कर सका, वो जीवतों का परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों पर उपस्थित पिता परमेश्वर, और इन सबको हम तेरे नाम से आशीष करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं पिता, इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद। ग्लोरी 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 प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता बीमार पड़े हैं कई महीनों, कई सालों, कई दिनों से, वो दवाई खा के थक चुके हैं पिता, और थके माए तेरे पास आए हैं। मेरे पियो घुटनों पे आकर आंसुओं के गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए, उसका पे जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पे चलिए। परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगाई देने जा रहा है। धन्यवाद के साथ रे चंडों माते पिता, ये प्रार्थना चाहे घर में चल रही हो, चाहे बाहर में हो, चाहे किसी देश, किसी कोने, किसी गाँव, किसी शहर में चल रही हो पिता, उस घर में तेरे नाम की महा प्रकट होने पाए पिता, उस घर का व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नए सामर्थ्य नाम से आ जाए। इन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। ग्लोरी 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 ग्लोरी, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं पिता, हाँ प्रभु जी, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये हमारी जो बीमारी फैली हुई है पिता, बीमार पड़े हैं उनको हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो टोहेंदे की आत्माओं में
खड़े हुए हैं पिता, उनके जीवन के रास्ते बंद जरा रहे हैं, वो चिंताओं में पड़ चुके हैं पिता, वो चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, इनके जो रास्ते बंद जरा रहे हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में उसको हम खोलते हैं, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं पिता, जो तेरे कार्य के तेरे प्रचार के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं प्रभु जी, भेद दान दशमांश भेजे हैं पिता, वो जितना भेजते हैं पिता उतना ही बल्कि 100 गुना उनके जीवन तू आशीष देने जा रहा है, धन्यवाद देते मेरे पियो। प्रभु का वचन कहता है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उसके बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाती है, पिता इन सब के तू बंद रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद देते हैं, जो चर जमीन के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, वो जितना भेजते हैं पिता वो उतना ही बल्कि उनके अधिक तू उनके जीवन में आशीष देने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं, इनके घर को बनाने में सहायता प्रदान कर, इनके मन इनके दिल को खोला, धन्यवाद देते हैं। मैं पियो प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थित बैठकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको जितना अगुवाई कर रहा है आप हमें उसमें सहायता प्रदान करें ताकि हम उस जमीन को लेकर वहाँ प्रभु की आराधना कर सके। पिता इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता बाहर में कार्य करते हैं पिता, वो सार्वजनिक स्थान पर कार्य करते हैं पिता, उन सबको पंख तेरे छुपाए रख पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है घर के चाओ तो बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, घर के लोगों को हाथों में सौंपते हैं, जहां कार्य करने जाते हैं इनको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, पंख तेरे छुपाए रख, हर एक बीमारी हर एक महामारी से बचाए रख, जैसे घर को जाते हैं शाम को आप ब्लेसिंग वैसे घर को आने पाए, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं, ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, बहुत से भाई बना जाएंगे हॉस्पिटल बीमारी चेकअप के लिए, हॉस्पिटल जाने से पहले बीमारी शरीर से निकल जाए, हर एक रिपोर्ट तेरे नाम से न माने पाए, प्रार्थना सुन, धन्यवाद प्रार्थना पिता, पुत्र पौत्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में मांगते सुन, दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और इसको अपने जीवन में अपने घर में रिसीव कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर मेरे जीवन मेरे परिवार के लिए की जा रही, कह रहा हूँ प्रभु आपको इसमें आशीष देगा, वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस।